कड़कड़ कड़कड़ बोल ढोलकी हुन्नर ही तालाची, छुम छुम छननन साथ तिलाया घुंगराच्या बोलाची। जरमून असा स्वरसाज मांडतो हीच इनती यावजी, किरपेच दान द्यावजी, हे यावजी किरपेच दान द्यावजी। यानी स्टेज सेट है, ढोलकी कड़कड़ की आवाज के साथ बज रही है और संगत दी है घुंघरुओं ने, और मनाया जा रहा है कि हे ऊपर वाले, यानी कि हे सामने बैठे दर्शक जो हमारे लिए भगवान के समान हैं, उनके लिए हम ये पेश कर रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये मराठी है ये तो आप समझ गए, लेकिन महाराष्ट्र में किस फोक जॉनरा की बात कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ स्टोरी टेलिंग है, इसके साथ साथ आपको डांस मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, ढोलकी और ड्रम पे परफॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट एक और इंस्ट्रूमेंट है, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, तुनतुना, इसका भी इस्तेमाल होता है और उसके बाद हाई बीट पे परफॉर्मेंस। हेलो एंड वेलकम, मैं पीयूष हूँ, मेरे साथ हैं निशांत, और आज द फीवर फोक प्रोजेक्ट में हम जिस फोक फॉर्म की बात कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र का लावणी। ऐसा माना जाता है कि 80% लावणी सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन राग भैरव, और इनका जो डांस फॉर्म है वो कथक बेस्ड है। आप सोचिए, ऑडियंस लाइव बैठी है, रियल टाइम में आपको गाना भी है, डांस भी करना है, यानी बांधे रखना है। वी कैन ईजिली से कि लावणी परफॉर्मर्स की जो परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि लावणी का मायना है ब्यूटी ग्रेस, यानी जितने भी ह्यूमन इमोशंस हैं उनको पिरोना लावणी से बेहतर दूसरा कोई फोक जॉनरा नहीं कर सकता। अब चाहे वो पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, या फिर सोसाइटी के वो मुद्दे हो जो आमतौर पर लोग नहीं बात करते, पर लावणी यही काम करता है कि उसे गाने के जरिए पिरो कर स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। कहते हैं कि अगर मराठी थिएटर लोकमंच अगर आज अपनी पहचान बना रहा है, अपनी पहचान पर यहाँ काबिज है, तो उसके लिए लावणी जिम्मेदार है। ढोलकी चा ताला बरा, घुंघरा चा बोला बरा। लावणी को एक्चुअली आम जनता तक पहुंचाने का क्रेडिट राजा हाला को दिया जाता है। अब हालांकि इसके बारे में विकिपीडिया या बुक्स में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो प्राकृत भाषा के कस्टोडियन थे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये प्राकृत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक भाषा रही है। लावणी डांस आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में धनगर या चरवाहों द्वारा किया जाता है। वो नेचर से इंस्पायर्ड थे, उनके अनुसार लावणी में उनके देवता बिरुआ के जन्म की कहानियां हैं। लावणी का फॉर्मल इवोल्यूशन 18th और 19th सेंचुरी के दौरान हुआ था, और ये भी सैनिकों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनका मोराल बूस्ट करने के लिए, जब महाराष्ट्र एक बहुत बड़े राजनीतिक उथल पथल में फंसा हुआ था, एक संघर्ष जैसा चल रहा था। लावणी को श्रृंगारी लावणी या निर्गुणी लावणी के रूप में कैटेगराइज किया जाता है, और जैसे कि नाम से पता चलता है, श्रृंगारी लावणी यानी प्रेम भावों की गहराइयों को दिखाती लावणी, जबकि निर्गुणी लावणी डिवोशनल भावों को सामने लाती है। इसके साथ ही लावणी के दो रूप हैं, फडाची लावणी और बैठकीची लावणी। फड़ यानी कि मंडली, यानी बड़े स्टेज पर जनता के लिए प्रस्तुत करना, जबकि बैठकीची, जिसका शाब्दिक अर्थ है बैठने की लावणी, जो चुनिंदा ऑडियंस के लिए प्रस्तुत की जाती है, जहां प्रेजेंटर बैठकर परफॉर्म करता है। कहते हैं कि ऐसा समय आया जब लावणी अपनी राह भटक गई, क्योंकि उस समय कुछ एक ऐसे राइटर्स थे जो लिखने के टाइम पर सामाजिक दायरा जो होता है वो भूल जाते थे, और उस वक्त इस विधा को फिर से संभालने का श्रेय पट्टे, बापूराव और राम जोशी जैसे कलाकारों को जाता है। उन्होंने उस जमाने में अपना पैशन फॉलो किया जब पैशन जैसा शब्द था भी नहीं। पट्टे बापूराव ने लावणी को थिएटर यानी महाराष्ट्र तमाशा में जगह दिलाई, जो आज भी उनका एक इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, शुरुआत में लावणी गीतों पर मेल परफॉर्मेंसेस होती थी, लेकिन पेशवा के समय में महिलाओं ने नववारी यानी नौ गज की खूबसूरत साड़ी पहनकर शब्दों को एक अलग ही लय दे दी। लावणी महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के रूरल एरियाज में काफी फेमस है, लेकिन सर अब बड़े पर्दे का जमाना है और इसकी वजह से अब ये देश भर में पसंद की जाती है। और अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि म्यूजिक कंपोजर्स हमेशा से फोक म्यूजिक के इस फॉर्म से इंस्पायर्ड रहे हैं।
1951 में एक फिल्म रिलीज हुई थी अमर भूपाली, उसमें शायद पहली बार इस फोक जॉनरा को जगह मिली थी। मैंने सुना है बहुत कहने वाले ये भी कहते हैं कि यार ये तो पुरानी चीजें हैं, आजकल कौन सुनता है। सर सुनते हैं, शायद पहचान नहीं पाते। यू सी वी आर लिविंग इन एन एरा इन दोस टाइम्स जहां पर मालपुए को भी तो पैनकेक कहते हैं। आई रेस्ट माई केस।